नमस्कार दोस्तों एडवांस नर्सिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत है आज की सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट द पीपीएच पीपीएच का मतलब आप समझते हैं पीपीएच फॉर पोस्ट पार्टम पोस्ट पार्टम हैमोर ओके पोस्ट पार्टम हैमोर सो दोस्तों एग्जाम में ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत सारे क्वेश्चन पोस्ट पार्ट में हमारे आते हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट के रिगार्डिंग हम लोग डिस्कशन करेंगे उसके साथ साथ जो भी क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी है उसके रिगार्डिंग भी डिस्कशन करेंगे तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा एंड तक बने रहिए और पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को एक सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा ओके सो दोस्तों व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पोस्ट पट टॉपिक को डिटेल्स में पढ़ने से पहले हमको पहले समझना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोस्ट पार्टम पोस्ट मींस क्या है पोस्ट मीन्स आफ्टर ओके एंड पार्टम पार्टम एक लैटिन वर्ड से आया हुआ है कौन सा लैटिन वर्ड पार्टस ओके ये पार्टस का मीनिंग क्या है एक्ट ऑफ एक्ट ऑफ गिविंग चाइल्ड बार्थ ओके एक्ट ऑफ गिविंग चाइल्ड बर्थ क्लियर है तो पोस्ट का मतलब क्या है कि चाइल्ड बर्थ देने के बाद दैट मीन्स बच्चे को डिलीवरी होने के बाद का जो कंडीशन है उसको बोला जाता है पोस्ट पार्टम. समझ में आ गया पोस्ट मीन्स आफ्टर एंड पार्टस इज डायराइव फ्रॉम ए लैटिन वर्ड पार्टस एंड द मीनिंग ऑफ पार्टस इज द एक्ट ऑफ गिविंग चाइल्ड बर्थ क्लियर अच्छा तो व्हाट इज हैमरज हैमरेज मीनिंग कि कोई भी इंजुरी या टियर के कारण या कोई घाव के कारण अगर ब्लीडिंग होता है तो उसको हम बोलते हैं हैमोरेज उस कंडीशन को क्या बोला जाता है हेमोरेजिक कंडीशन क्लियर हो गया तो पोस्टमार्टम हैमोरेज इसका अर्थ क्या है इसका मतलब क्या है कि चाइल्ड डिलीवरी के बाद अगर भेजाइल ब्लीडिंग होता है तो उस कंडीशन को कैसे मैनेज किया जाएगा वो कंडीशन का साइन एंड सिम्टम क्या क्या होता है वो रिगार्डिंग हम लोग इस टॉपिक में डिस्कशन करेंगे जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में पी क्लियर है तो डेफिनेशन देखेंगे हम लोग पहले इट इज द लॉस ऑफ ब्लड मोर देन 500 हंड्रेड एम एल विद इन फर्स्ट ट्वेंटी फोर आवर्स आफ्टर डिलीवरी ओके पीपीएच हम किसको बोलेंगे चाइल्ड बर्थ के बाद आफ्टर गिविंग चाइल्ड बर्थ अगर 24 घंटे के अंदर ठीक है चाइल्ड बर्थ के बाद 24 घंटे के अंदर अगर 500 सौ से ज्यादा ब्लड लॉस होता है वेजानल ब्लीडिंग होता है तो हम उसको पीपीएच कह सकते हैं क्लियर हो गया चाइल्ड बर्थ हो गया ओके आफ्टर चाइल्ड बर्थ अगर 500 हंड्रेड से ज़्यादा ब्लड लॉस होता है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं पी बोल सकते हैं क्लियर है ये जो पी है ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग थ्री टाइप्स में डिवाइडेड हो गया है ओके okay. क्या क्या फर्स्ट है हमारा थर्ड स्टेज हेमरेज सेकेंड है प्राइमरी और अर्ली पी और थर्ड वन एज सेकेंडरी और लेट पी अच्छा थर्ड स्टेज हेमोरेज हम किसको बोलेंगे देखिए जैसे पहले क्या होता है सेकंड फेज में ओके okay, लेबर के सेकंड फेज में हम लोगों का क्या होता है बेबी का डिलीवरी हो जाता है ओके बेबी डिलीवर क्लियर उसके बाद क्या होता है प्लासेंटा डिलीवर होता है क्या होता है प्लासेंटल डिलीवरी होता है क्लियर है तो देखिए ये जो थर्ड स्टेज हेमरेज है ये ऐसा एक सिचुएसन है ये ब्लीडिंग कब होता है आफ्टर द डिलीवरी ऑफ बेबी बट बिफोर द डिलीवरी ऑफ प्लासेंटा क्लियर हो गया फर्स्ट बेबी डिलीवरी होता है उसके बाद प्लासेंटा डिलीवरी होता है ठीक है लेकिन ये जो थर्ड स्टेज है हैमोरेज जिसको हम बोलते हैं ये कब होगा बेबी के डिलीवरी के बाद लेकिन प्लासेंटा के डिलीवरी से पहले ब्लीडिंग होगा इसको हम क्या बोलेंगे थर्ड स्टेज हैमोरेज ओके वही बोल रहा है ब्लीडिंग बिफोर एक्सप्लोजन ऑफ प्लासेंटा ओके बट आफ्टर द डिलीवरी ऑफ बेबी क्लियर है देन प्राइमरी और अर्ली पीपीएच किसको बोलेंगे हम बेबी भी डिलीवरी हो गया बेबी डिलीवरी हो गया और प्लासेंटा भी डिलीवरी हो गया ओके बेबी एंड प्लासेंटा दोनों डिलीवर हो गए और प्लासेंटा डिलीवर होने के 24 घंटे के अंदर विद इन ट्वेंटी आवर्स अगर ब्लीडिंग होता है वो भी मोर देन 500 हंड्रेड तो उसको हम क्या बोलेंगे अर्ली uh, पी बोल सकते हैं और प्राइमरी पीपीएच बोलेंगे ओके okay? देन आता है हमारा सेकेंडरी पीपीएच ब्लीडिंग आफ्टर ट्वेंटी फोर आवर्स टू सिक्स वीक्स ओके दैट मीन्स एक दिन में बेबी का डिलीवरी हो गया फिर प्लासेंटा का डिलीवरी हो गया लेकिन प्लासेंटा डिलीवरी हो होने के चौबीस घंटे के अंदर कोई ब्लीडिंग नहीं हुआ ओके बट ब्लीडिंग ओकरस आफ्टर ट्वेंटी फोर आवर्स तो क्या होगा वो सेकेंडरी पी और लेट पीपीएच भी हम उसको बोल सकते हैं क्लियर है नेक्स्ट देखें नेक्स्ट आता है टाइप्स हमारा अकॉर्डिंग टू द ब्लड लॉस वो गया हमारा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और टाइम ड्यूरेशन ओके नेक्स्ट आता है ब्लड लॉस कितने क्वांटिटी में ब्लड लॉस होने में कौन सी टाइप का पीपीएच हम बोल सकते हैं उसको फर्स्ट वन इज हमारा माइड पीपीएच इसमें क्या होता है ब्लड लॉस जो भैजाना ब्लीडिंग होता है हमारा कितना होता है फाइव फाइव हंड्रेड एम से लेके वन थाउजेंड एम तक क्लियर है देन आता है हमारा मॉडरेट पीपीएच पी ब्लड लॉस कितना होता है वन थाउजेंड एम से लेकर टू थाउजेंड एम तक एंड द थर्ड वन इज सीवियर पी जो कि ब्लड लॉस कितना होता है मोर देन टू थाउजेंड एम और टू लीटर ठीक है देखिए टाइम के टाइम अकॉर्डिंगली सिचुएशन के अकॉर्डिंगली तीन टाइप में डिवाइड हो गया एक तो है हमारा थर्ड स्टेज है मोरच दूसरा है हमारा ईयरली पी एंड लेट पी ऐसे तीन हिस्सों में डिवाइड हो गया तीन टाइप्स पे लेकिन ब्लड लॉस का जो क्वांटिटी होता है कितना क्वांटिटी में ब्लड लॉस होता है वो क्वांटिटी को लेके अगर हम डिवाइड करेंगे उसका टाइप आइडेंटिफाई करेंगे तो वो हो गया हमारा थ्री टाइप्स में डिवाइडेड होता है क्लियर है एक तो है हमारा माइड पी जिसमें फाइव हंड्रेड एम एल से लेकर वन थाउजेंड और वन लीटर तक का ब्लड लॉस होता है देन आता है हमारा मॉडरेट पी जो कि हमारा वन लीटर से ले कर टू लीटर तक ब्लड लॉस होता है और देन आता है हमारा सीवियर पी जो कि हमारा मोर देन टू थाउजेंड एमएल अगर ब्लड लॉस होता है तो हम उसको बोल सकते हैं क्या सीवियर पी पी एच ओके देन ये जो पीपीएच होता है पीपीएच का कुछ कॉजेस होता है ओके कोई भी इंसिडेंट हो या बॉडी का अब नॉर्मैलिटी कंडीशन अराइज हो उसके पीछे कोई ना कोई कॉज और एटियोलॉजी जरूर रहता है तो ये जो पी का ईडियोलॉजी है ये मेनली फोर टी से फोर टी के कारण होता है क्या क्या है फोर टी फर्स्ट वन इज टोन ट्रोमाटिक इंजरी टिश्यू और थ्रोम्बिन ठीक है टोन क्या है ड्यू टू द एटोनिसिटी ऑफ यूटेरस दैट मीन्स एटोनिक यूटेरस जिसको हम बोलते हैं एटोनिक यूटेरस ओके सेकेंड वन इज ट्रोमैटिक इंजुरी किसके कारण हो सकता है हमारा अगर एपिसेटोमी हुआ हो या आ, बेबी के डिलीवरी के दौरान कोई बड़ा सा टीयर हो गया हो उसके कारण भी हो सकता है ब्लड लॉस और दैट ब्लड लॉस मैन लिस्ट टू पी पी एच ओके देन होता है हमारा क्या रिटर्न टिश्यू अगर प्लासेंटा का कोई पोर्सन uh, अगर कोई थोड़ा सा हिस्सा अगर अंदर रह जाता है कम्प्लीटली वो डिलीवरी नहीं होता और एक्सपेल आउट नहीं होता वो बाद में क्या होता है वो टिश्यू डेड होके इन्फेक्शन क्रिएट करता है और इन्फेक्शन के कारण क्या हो सकता है हमारा uh, पीपीएच हो सकता है ओके okay, ब्लीडिंग होगा ब्लीडिंग के द्वारा फिर पी हो सकता है दूसरा क्या हो सकता है थ्रोम्बिन ड्यू टू द ब्लड कोआगुलेसन डिजॉर्डर ओके okay, थ्रोम्बिन के डिफिशियंसी में थ्रोम्बिन क्या करता है ब्लड के कोएगुलेशन में हेल्प करता है ठीक है लेकिन अगर कोएगुलेशन फैक्टर का डिफेक्ट होगा तो क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा ब्लीडिंग होगा और ब्लीडिंग के बाद क्या हो सकता है दैट ब्लीडिंग में लीड्स टू पी पी एच पोस्ट पार्टम हैमर ओके कोएगुलेशन फैक्टर होगा तभी तो ब्लड क्लॉट करेगा लेकिन अगर कोएगुलेशन फैक्टर एब्सेंट होगा एब्सेंट होगा कोएगुलेशन फैक्टर तो क्या हो सकता है ब्लड लॉस रुकेगा नहीं ओके okay, और उसके बाद क्या हो सकता है कि धीरे 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 ब्लड का क्वांटिटी जैसे जैसे ही बढ़ता चला जाएगा वो मदर पी में चला जाएगा क्लियर है तो क्वेस आपको समझ में आ गया नेक्स्ट देखेंगे साइन एंड सिम्टम साइन एंड सिम्टम क्या कहता है ब्लड प्रेशर डिक्रीज करेगा उसके देखिए ये एक कॉमन चीज़ है और ट्रिकी भी है ये बार बार एम्स जैसे एग्जाम में आता है नॉर्थ ओके और जो भी हमारा आर या ई के एग्जाम में आते रहते हैं जैसे देखिए जिस सिचुएशन में ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ करेगा वो सिचुएशन में हार्ट रेट इंक्रीज करेगा ये आपको याद रखना है ओके ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा डिक्रीज uh, करेगा तो क्या होगा हार्ट रेट इंक्रीज करेगा ओके okay, उसके साथ साथ और क्या देख सकते हैं हम लोग अगर फाइव हंड्रेड से ज़्यादा ब्लड हो रहा है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग ओके बीपी डिक्रीज करेगा हार्ट रेट इंक्रीज करेगा और ब्लीडिंग कंट्रोल में नहीं रहेगा अनकट्रोल ब्लीडिंग हो जाएगा ब्लड प्रेशर क्यों डिक्रीज करेगा क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा है ना ब्लड लॉस हो रहा है इसलिए प्रेशर में डिक्रीज होगा और प्रेशर में जब डिक्रीज होगा ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो सकता है पेशेंट शॉक में जा सकता है ओके okay. अगर शॉक में जाएगा तो क्या होगा हार्ट रेट इंक्रीज करेगा क्लियर है और उसके साथ क्या होगा अनकट्रोल ब्लीडिंग होगा क्लियर है नेक्स्ट देखेंगे हम इसका मैनेजमेंट हम किस तरीके से पी को मैनेज कर सकते हैं ओके okay. <coughs> पहले तो हम क्या करेंगे बाय मैनुअल मैसेज करेंगे किसका यूटेरस का ओके okay. उसके साथ साथ हम ऑक्सीटोसिन प्रोवाइड करेंगे वन लीटर में ट्वेंटी यूनिट्स क्लियर हुए? वन लीटर में ट्वेंटी यूनिट्स हम ऑक्सीटोसिन प्रोवाइड करेंगे ओके एट द ड्रॉप रेट ऑफ सिक्सटी ड्रॉप पर मिनट ठीक अगर वन लीटर में ट्वेंटी यूनिट्स होता है इंटरनेशनल यूनिट ट्वेंटी होता है तो जीरो पॉइंट फाइव लीटर में कितना हो जाएगा टेन इंटरनेशनल यूनिट ओके हमारा जो आर एल एन एस ये सब आता है वो उसमें क्वांटिटी कितना रहता है फाइव हंड्रेड एम एल हाँ तो एक लीटर में हम देंगे कितना बीस यूनिट तो फाइव हंड्रेड एम एल में कितना देंगे टेन यूनिट्स ओके ड्रॉप रेट क्या रखेंगे सिक्सटी डप्रप मिनट ठीक है उसके साथ साथ हम ऑक्सीटोसिन टेन यूनिट एडमिनिस्टोर करेंगे कहाँ पर थाई में ओके okay, कहाँ पे थाई पे एडमिनिस्टर करेंगे आई एम ओके और क्या करेंगे उसके साथ साथ ब्लाडर को कैथेटराइज करेंगे और अप्लाई फंडल प्रेशर एंड कंट्रोल को ट्रैक्शन टू सेपरेट द प्लासेंटा पता है ना कंट्रोल कोड ट्रैक्शन हम यूज करते हैं क्यों प्लासेंटा को रिमूव करने के लिए डिलीवर द दे प्लासेंटा ओके उसके साथ साथ मैनुअल रिमूवल ऑफ द प्लासेंटा इज टू बी डन अंडर जनरल अनिस्थेसिया इफ प्लसेंटा डोज नॉट सेपरेट ओके अगर ऑटोमेटिकली प्लासेंटा सेपरेट नहीं हुआ होगा तो हम क्या करेंगे अनास्थिसिया दे के फिर धीरे धीरे हम प्लासेंटा को रिमूव करेंगे ओके okay. लेकिन इसमें आप याद रखिएगा बेबी डिलीवरी होने के थर्टी मिनट्स बाद आफ्टर थर्टी मिनट्स ऑफ डिलीवरी ऑफ द बेबी अगर प्लासेंटा डिलीवर नहीं होता है तो उस कंडीशन को हम क्या कह सकते हैं रिटर्नड प्लासेंटा ओके okay. रिटन प्लासेंटा याद रखिएगा अगर बेबी का डिलीवरी हो जाता है और बेबी डिलीवर होने के थर्टी मिनट्स बाद भी अगर प्लासेंटा डिलीवर नहीं होता है तो वो कंडीशन को हम क्या कहेंगे रिटर्न प्लासेंटा कहेंगे ओके okay. समझ में आ गया तो ये था उसका ट्रीटमेंट ओके okay. सो so दोस्तों दिस इज़ ऑल अबाउट द पीपीएच आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा अगर कोई डाउट होगा तो आप फोन करके सॉरी कमेंट करके पूछिएगा ठीक है तो आज के लिए इतना ही फिर मुलाकात होगा और एक नया और इम्पोर्टेंट क्लास के साथ टिल देन टेक केयर बाय बाय